तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या ग्राउंड पे, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या एक वर्टिकल टावर है, और इन दोनों की जो यहाँ पे बीच की दूरी है वो यहाँ पे कितनी है 15 मीटर की है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन रखा है वो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। तो ए बी हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना जो कि हमारे यहाँ पे क्या हाइट ऑफ टावर है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद हमें यहाँ पे बी सी गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 15 मीटर है, और बी सी हमारे यहाँ पे क्या था ग्राउंड के पॉइंट से लेकर हमारे यहाँ पे जो वर्टिकल टावर था इन दोनों के बीच की दूरी हमारे यहाँ पे क्या थी बी सी थी, जो कि हमें यहाँ पे 15 मीटर पहले से गिवन है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी हमारे यहाँ पे किस में आ रहा है परपेंडिकुलर में आ रहा है, एंड बी सी हमारे यहाँ पे क्या है बेस है। तो ऐसा फॉर्मूला लेके चलेंगे जिसमें हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल की बात करें। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ए बी हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, एंड बी सी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। थीटा हम यहाँ पे 60 डिग्री लेके चलेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। और टेन 60 की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है अंडर रूट 3 होती है, इक्वल टू ए बी अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 15 अंडर रूट 3 मीटर निकल के आ जाएगा। और ए बी हमारे यहाँ पे क्या था हाइट ऑफ टावर थी, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।